नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं निधि वासंदानी। नीट पेपर विवाद में पटना से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम बारी बारी से उन खुलासे को आपके सामने रखेंगे जो 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। यहां आज टीवी 9 के एक्सक्लूसिव पड़ताल में नीट पेपर लीक आरोप में किंग पिन का, मास्टरमाइंड का नाम और चेहरा सामने आ चुका है। तो ऑपरेशन सिकंदर की हम बात करेंगे। ऑपरेशन सिकंदर, जी हां, हम आपको बताने वाले हैं कि नीट परीक्षा की गड़बड़ी, 6 पोस्ट डेटेड चेक का क्या है कनेक्शन, और आपको आज बताएंगे कि 30-30 लाख के चेक किसके नाम जारी हुए, जले हुए प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर है, गड़बड़ी का आखिर उत्तर छिपा कहां है। शुरुआत ऑपरेशन सिकंदर की पहली ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार नीट पेपर लीक आरोप में बड़ा खुलासा हुआ है। नीट पेपर लीक विवाद में किंगपिन का नाम सामने आया है। नीट पेपर लीक विवाद में सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आया है। अभी पुलिस हिरासत में है सिकंदर यादवेंदु। घोटाले के एक केस में जेल जा चुका है सिकंदर। तो इसे किंगपिन बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कौन है सिकंदर यादवेंदु। दरअसल नीट पेपर लीक मामले का इसे किंगपिन बताया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर का ये रहने वाला है। पहले रांची में ठेकेदारी का काम ये किया करता था। 2012 में बिहार एसएससी परीक्षा इसने पास की। एसएससी के जरिए जूनियर इंजीनियर बना। बेटा और बेटी दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं। दामाद एमबीबीएस के बाद पीजी कर रहा है। रोहतास में 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का भी इन पर आरोप है, और एलईडी घोटाले में जेल भी ये शख्स जा चुका है, जिसे नीट घोटाले का किंगपिन कहा जा रहा है। रिहाई के बाद नीट पेपर लीक गैंग से ये जुड़ा, इस बात की भी जानकारियां सामने आई। इधर पेपर लीक मामले के किंगपिन से जुड़ी टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच जारी है, और इधर इस मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनमें से एक है सिकंदर। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस मामले का किंग पिन है सिकंदर। बिहार के समस्तीपुर के विधान का रहने वाला सिकंदर पहले रांची में ठेकेदारी करता था। 2012 में बिहार एसएससी की परीक्षा पास कर जूनियर इंजीनियर बन गया। उसकी बहाली पर भी अब शंका है। इसकी बहाली के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सिकंदर का बेटा और बेटी भी एमबीबीएस कर रहे हैं। सिकंदर का एक दामाद यूपी के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद अब पीजी कर रहा है। सिकंदर के रिश्तेदारों और दोस्तों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। सिकंदर का खुद का सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत खराब रहा है। रोहतास में अपनी पोस्टिंग के दौरान सिकंदर 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का मुख्य आरोपी रहा है, जेल भी जा चुका है, और जेल से बाहर आने के बाद सिकंदर नीट का सिकंदर बन गया। तो रुपेश बता रहे थे सिकंदर यादवेंदु के बारे में, और नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज। बिहार ईओडब्ल्यू ने एनटीए से प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक नहीं दी प्रश्न पत्र की कॉपी, प्रश्न पत्र का मिलान करना चाहती है। दरअसल इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट और जो बिहार ईओयू है, एनटीए को 3 रिमाइंडर भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक प्रश्न पत्र की जो कॉपी है वो नहीं मिली है। प्रश्न पत्र न मिलने से जांच पर असर पड़ रहा है। जी हाँ, पेपर लीक की यह आशंका, लेकिन एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कटघरे में है। ईओडब्ल्यू ने एनटीए प्रश्न पत्र की कॉपी मांगी। ईओडब्ल्यू प्रश्न पत्र का मिलान करना चाहती है, ये एक्टिव नजर आ रही है इस वक्त। जांच एजेंसी ईओयू जो है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, 5 मई को जला प्रश्न और उत्तर मिला था, और इसी के बाद जांच तेज हुई। बिहार ईओयू ने एनटीए को 3 रिमाइंडर तक भेजे थे प्रश्न पत्र को लेकर। एनटीए ने अब तक प्रश्न पत्र की कॉपी ईओयू को नहीं सौंपी है। मूल प्रश्न पत्र न मिलने से जांच पर असर पड़ रहा है, जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। और आपको बता दें कि टीवी 9 की पड़ताल में ये पता चला है कि पेपर लीक मामले में
एनटीए बिहार ईओयू को जानकारी उपलब्ध नहीं करा रही, जिसका असर जांच पर लगातार पड़ रहा है। देखिए रूपेश कुमार की एक और रिपोर्ट। नीट पेपर लीक जांच का मामला नीट प्रश्न पत्र की मूल प्रति के इंतजार में अटका हुआ है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से परीक्षा के मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं मिली है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई एनटीए को 3 रिमाइंडर भेज चुका है, इस वजह से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। पेपर लीक जांच प्रक्रिया में मदद नहीं किए जाने को लेकर नए सिरे से पेपर लीक मामले को खंगाला जा रहा है। 3 रिमाइंडर के बावजूद नीट परीक्षा का मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल पुलिस ने 5 मई को पटना के एजी कॉलोनी में गिरफ्तार अमित आनंद और नीतीश के किराए के फ्लैट से नीट का प्रश्न और उत्तर का जला हुआ अवशेष बरामद किया था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम एनटीए से मूल प्रश्न पत्र की कॉपी मांग रही है, ताकि अभियुक्तों के पास से बरामद प्रश्न पत्र से उसका मिलान कराया जा सके। इसकी फॉरेंसिक जांच भी होनी है। देखिए अभी तक 3 बड़ी खुलासे हम कर चुके हैं, बड़ी जानकारियां आपके सामने लेकर आ चुके हैं, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है नीट विवाद में बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें ये जानकारी आ रही है पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। बरामद चेक का पेपर लीक से कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है और सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए हैं। कैंडिडेट से 30 लाख रुपए मांगने का आरोप जानकारी में सामने आया है। खाता धारकों के बारे में जानकारी जुटा रहा है ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। और सीधे हम रुख कर लेते हैं रुपेश का, जो तमाम खुलासे इस वक्त TV9 भारत वर्ष पर कर रहे हैं। रुपेश, सबसे पहले उस किंग पिंग के बारे में जानकारियां और क्या क्या हासिल हुई है, क्या वो पुलिस की रडार पर है और उससे अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आई है जो इस पूरे नीट घोटाले पर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश है? देखिए बिल्कुल, सिकंदर यादवेंदु पुलिस की गिरफ्त में है, उसे जेल भेज दिया गया है और आर्थिक अपराध इकाई के पास ना सिर्फ पुख्ता सबूत हैं बल्कि छात्रों के, उनके अभिभावकों के और जो ये गैंग है, जो सॉल्वर गैंग है, उनके सदस्यों का इकबालिया बयान है। इसके बावजूद एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और शुरू से ही 5 मई के बाद से ही जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने जांच को सौंप दिया आर्थिक अपराध इकाई को और आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच की और उसके बाद से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 6 लोगों को रिमांड पे लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, जो FIR फाइनल दर्ज किया गया है उसमें लिखा गया है कि आयुष राज छात्र, उसका रोल नंबर कितना था, उसने क्या कहा, उसके अभिभावक ने क्या कहा, सॉल्वर गैंग के सदस्य चाहे वो सिकंदर हो या फिर अन्य अमित आनंद हो, उन्होंने क्या कहा है और ये इकबालिया बयान है कि पेपर लीक हुआ है, कहाँ कितने पैसे दिए गए हैं, किस छात्र के किस अभिभावक से कितने पैसे लिए गए हैं और किस तरीके से, किस जगह पे, कौन से पटना के खेमनी चक के कौन से प्ले स्कूल में, किस रूम में, किस किस छात्र को बिठा करके पूरी रात आंसर रटवाया गया, यानी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उत्तर तैयार किए गए सॉल्वर गैंग के द्वारा और छात्रों को बिठा करके पूरी रात प्रश्न रटवाया गया, उसके उत्तर रटवाए गए, ये सभी इकबालिया बयान हैं, लेकिन जांच वहीं पर आकर टिकी हुई है कि आखिर एनटीए सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल रूपेश, इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई छात्रों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 6 पोस्ट डेटेड चेक भी मिले हैं। कौन है इसके खाता धारक, क्या नाम लिखा है, क्या ये सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है, क्या नीट पेपर लीक कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है 6 पोस्ट डेटेड चेक से? देखिए TV9 भारत वर्ष के पास उसकी प्रति भी मौजूद है, SBI के 2 हैं और सेंट्रल बैंक के, और इसी तरह से 6 पोस्ट डेटेड चेक हैं। उन चेक के नंबर से लेकर के खाता धारकों की पहचान की जा रही है, संबंधित बैंक से संपर्क किया गया है और बिल्कुल जो FIR दर्ज किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस नंबर का चेक किस बैंक का है, किस नंबर का, तमाम बातें आर्थिक अपराध इकाई ने एक तरीके से अपनी जो जाँच प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है। सिर्फ मामला कहाँ फंस रहा है, पेच कहाँ फंस रहा है कि 3 रिमाइंडर के बावजूद NDA ने जो मूल प्रश्न पत्र है सभी सेटों की एक एक मूल प्रति मांगी है, ताकि जो यहाँ पर जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं और उन जले हुए प्रश्न पत्रों के अवशेष से 70 प्रश्न निकाले गए हैं, क्या वो 70 प्रश्न मूल प्रश्न पत्र में मौजूद थे? हालांकि आयुष राज नाम के छात्र ने अपने इकबालिया बयान में ये कहा है कि उसने जो जो प्रश्न पत्र रटे थे, आंसर रटे थे,
जो परीक्षा हॉल में जाने के बाद से हूबहू उसकी शक्ल वही थी। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी है इस नीट पेपर घोटाले मामले में सामने आ रही है, जिसमें एनटीए की भूमिका को लेकर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी सामने आना बाकी है, जिस पर हमारी निगाहें बनी रही है। इधर आप तमाम अपडेट पहुंचाते रहिएगा। और ये जो जानकारी है, क्या ये सिर्फ पटना से संबंधित है या फिर झज्जर, गोधरा या फिर दूसरे और हिस्सों से, जहां से बच्चों ने शिकायत की है कि उनके पेपर में जो मार्क्स आए हैं उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर नीट पर TV9 भारतवर्ष का बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हादसे वाली जगह पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बंगाल रेल हादसे पर बोले रेल मंत्री, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया, जो घटना है मौका घटना का दौरा किया है अश्विनी वैष्णव ने, ये राजनीति का समय नहीं है, ये भी कहा रेल मंत्री की तरफ से। बड़ा हादसा हो गया सोमवार की सुबह बंगाल के दार्जिलिंग के पास न्यू जलपाईगुड़ी में, और अश्विनी वैष्णव जब पहुंचे तो उन्होंने कहा ये राजनीति का समय नहीं है। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आपने आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। तो बंगाल रेल हादसे की हम बात कर रहे हैं, जिनमें अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आ रही है कि मृतकों में रेलवे के 3 कर्मचारी शामिल हैं, 6 पैसेंजर हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस की गार्ड की मौत हुई है, मालगाड़ी के लोको पायलट की भी मौत हुई है, मालगाड़ी के असिस्टेंट लोको पायलट की भी मौत हुई है। हादसा कितना जबरदस्त था, हवा में लटकी कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये 3 बोगियां जाहिर कर रही हैं। ट्रेन के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यह हादसा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुआ। बताया जाता है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ते हुए स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। यह हादसा दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास हुआ, जो न्यू जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर है। हादसे के बाद तत्काल रेलवे और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, लेकिन कई लोगों की इस हादसे में जान चली गई। हेल्पलाइन नंबर है 03612731162। दूसरा नंबर है 03612731622। राहत और बचाव कार्य में NDRF की टीम को लगाया गया है। हादसे के बाद मलबे को हटाने का काम जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे पर चिंता जताई है, रेलवे वॉर रूम में इमरजेंसी बैठक की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि दी जाएगी, मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 की राशि दी जाएगी। और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ देखा, सुनिए उनकी आंखों देखी। एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है। शायद एक दो जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो ऐसा सब पता साठ तो हुआ है। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, डेड बॉडी भी बहुत निकला है, अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग, तो जितना हम लोग को पता चला सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति से चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। आवाज़ मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है, तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है। बंगाल रेल हादसे पर राहुल गांधी का बयान, सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है यह हादसा, रेलवे की उपेक्षा की जा रही है, इस वजह से यह हादसा हुआ है, सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। ट्रेन हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। रेल मंत्री जी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दो, ये
ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि हो गई हो जिसके परिणाम ही हो। सच्चाई तो ये है कि आपके रेल विभाग के महकमे के चलते हुए उनकी लापरवाही से, उनकी गैर जिम्मेदाराना ढंग से जिस तरह चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है कि ये इतनी जाने उसमें बलिदान। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी एक्स पर सवाल उठाते हुए लिखा, देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है? और नए लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, स्पीकर पद पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, टीडीपी जेडीयू को नहीं देगी स्पीकर का पद, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद संभव है, तो बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, इस वक्त की बड़ी खबर स्पीकर को लेकर। लोकसभा चुनाव के बाद अब सियासी गलियारों में सभी की निगाह 24 जून से शुरू होने वाले संसद सत्र पर है, लेकिन इससे पहले स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में माथापच्ची चल रही है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद बीजेपी अपने पास रख सकती है, डिप्टी स्पीकर पद टीडीपी या जेडीयू को दिया जा सकता है। दिलचस्प है, विपक्ष भी डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है। विपक्ष की दलील है कि बीजेपी के करिया मुंडा को यूपीए ने डिप्टी स्पीकर बनाया था, ऐसे में सरकार को भी विपक्ष का ख्याल रखना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि स्पीकर का चुनाव आम सहमति से हो, इसके लिए राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह विपक्षी पार्टियों और बीजेपी के सहयोगी दलों से बातचीत कर एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। तस्वीर तब साफ होगी जब संसद सत्र का आगाज होगा, जिसमें अब कुछ ही दिन बाकी है। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान नए सांसदों के शपथ लेने से लेकर नए स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस अभिभाषण में सरकार के कामकाज को लेकर एक खाका के साथ अभिभाषण पर ही धन्यवाद होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है। पार्टी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि अश्विनी वैष्णव चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं हरियाणा में प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान निभाएंगे और बिप्पल देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड के लिए प्रभारी की भूमिका शिवराज सिंह चौहान पूरी करेंगे, तो हिमंता बिस्वा सरमा को सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को दी गई है। जाहिर है विधानसभा का ये रण बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राज्यों के सीट समीकरण काफी हद तक बदल गए। महाराष्ट्र और हरियाणा में 2019 के मुकाबले एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन ने इन दोनों ही राज्यों में बढ़त बना दी। ऐसे में देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख क्या होगा। महाराष्ट्र की 288 सीट, हरियाणा की 90, झारखंड की 81 और जम्मू कश्मीर की 90 सीट पर चुनाव होने हैं। इनमें साल के आखिर में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, जबकि जम्मू कश्मीर में अगस्त या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे जाने वाले खाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने एयर इंडिया की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सवाल किया कि हिंदू या मुस्लिम भोजन क्या होता है। एयर इंडिया का हिंदू मील मुसलमान मील, ये बंटवारा और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बड़ा दुख का बात है। एयर इंडिया पर यह आरोप है तमिलनाडु की विरुद्ध नगर सीट से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के। उन्होंने एयर इंडिया के मेन्यू को सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि उन्होंने साउथ इंडियन, बंगाली, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी खाना तो सुना था, लेकिन हिंदू मुस्लिम खाना तो यही देखा। उन्होंने कहा कि क्या एयर इंडिया पर संघ का कब्जा हो गया है? आरएसएस का 100 साल का काम है ऐसे बंटवारे वाली बात, नफरत वाली बात करने का, और आज एयर इंडिया वही सेम शब्द यूज कर रही है। ये बड़ा कंडम करने वाली बात है। खाने के ऊपर भी नफरत कभी भी बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मणिकम टैगोर ने मामले में सरकार से एयर इंडिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम को लेकर जारी विवाद गहराता जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस मामले को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए। अमोल कृतिकर को 2 बार विजय घोषित किया, फिर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है और एक इलेक्शन ऑफिसर दिनेश गुरव का फोन लेकर, अंदर फोन लेकर जिसका ऊपर ओटीपी है या अनलॉक कर सकते हैं ईवीएम मशीन या छेड़छाड़ कर सकते हैं ईवीएम मशीन से, वो फोन लेकर
शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। उधर दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर एक्स पर लिखा कि ईवीएम है तो खतरा है, ईवीएम हटा देनी चाहिए, एआई या इंसान के हैक करने का खतरा, खतरा कम लेकिन बहुत बड़ा। मस्क ने ये जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक ट्वीट पर दिया। हमारे ईवीएम, हमारे देश में के ईवीएम जो है यूएस के ईवीएम और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम से बहुत ही अलग है कि हमारे ईवीएम का में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है। और ईवीएम विवाद पर दिग्विजय सिंह की मांग सामने आई है, बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब तो इलॉन मस्क ने भी सवाल उठा दिए हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका है। 2003 तक बैलेट पेपर चुनाव होते थे, समय पे हो जाते थे। 2003 के बाद ईवीएम मशीन आई है। 98 का चुनाव हो, उसके पहले के चुनाव हो, सुबह चालू होता था, रात तक फैसले आ जाते थे। तो ये बिल्कुल गलत है, और ये धारणा कि इसमें बहुत समय लगेगा बिल्कुल गलत है। ज़्यादा समय लगेगा तो आप 14 टेबल लगाते हो, 20 लगाते हो, 50 लगा दीजिए, समय कम हो जाएगा। क्योंकि सर सीटें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी 99 आई है। मैं इस बात को मैं जाते नहीं किनको कौन जीता कौन हारा। मैं तो कहता हूँ मेरा अधिकार है कि मेरे हाथ में मत पत्र आना चाहिए मेरा, ताकि मैं उसको देखकर और बैलेट बॉक्स में डालूं। तो इसे आगे किस तरह से आप इसको लेकर लड़ाई लड़ेंगे सर, आप और कांग्रेस पार्टी? तो पार्टियों से इंडिया अलायंस के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं इतना आपको कह देता हूँ कि मैनिपुलेशन किसी भी मशीन पर संभव है यदि उसमें चिप है। लोकसभा चुनाव में जीतने के बावजूद सीतामढ़ी के नव निर्वाचित जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कम वोट मिलने की वजह से यादव और मुसलमानों से खासे नाराज हैं। बिहार के सीतामढ़ी से नव निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब वे यादव और मुसलमान का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट भी हमको नहीं मिला। हकीकत ये है, और मेरी नाराजगी खाली उन लोगों से, और मैं हर एक मीटिंग में कहता हूँ कि इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोगों में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे, काम के मामले में हाथ जोड़ लेंगे। बाबू 5 साल के बाद जब हमको वापस वोट दोगे, उसके अगले 5 साल हमसे काम ले लेना, ये बता के तब आना। सीतामढ़ी सीट से जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने राष्ट्रीय जनता दल के अर्जुन राय को 51,356 वोटों से हराया। देवेश चंद्र ठाकुर को 5,15,719 वोट मिले, जबकि अर्जुन राय को 4,64,363 वोट मिले। और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर आरजेडी और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है दोनों पार्टियों के नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। इस तरह का बयान नीतीश जी के सबसे करीबी सांसद के द्वारा दिया जाना कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये संविधान और कानून के खिलाफ दिया गया बयान है। इस पर नीतीश जी और उनकी पार्टी स्पष्ट मंतव्य दे कि क्या इसी तरह का बयान देने वाले जनता दल यू और जनता दल यू के सांसद आपके करीब रहेंगे। जाति और धर्म के नाम पर वोट करना लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे में दर्द छलकना स्वाभाविक है कि जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी समाज और समुदाय के लिए काम करता रहा है, उस उम्मीदवार को चुनाव के समय जाति और धर्म के संकुचित दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। इससे निश्चित रूप से जनप्रति का मनोबल गिरता है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव जीत के आने के बाद वह सांसद किसी एक धर्म और जाति का नहीं रह जाता, वह सभी का सांसद होता है। ईवीएम को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं शिंदे गुट ने इसे ईवीएम को लेकर झूठा प्रचार बताया है। देखिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो हम पेटिशन फाइल करने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन की जैसे बेइज्जती हुई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब मेयर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था, जब खुलेआम
वोट बदलने के काम हो रहा था, सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो पकड़ा गया था। आज वही सीसीटीवी फुटेज हमें डिनाई की जा रही है। तो जो जो स्टेप्स हैं वो, जैसे मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज को लेकर, 19th राउंड के बाद की वोटिंग को लेकर जो गैप था एआरओ में और कैंडिडेट में, कि अगर वो कोई ऑब्जेक्शन भी रेज करना चाहेंगे उनको सुनाई नहीं देगा, ये तीन चार चीज़ें हैं जो हमने रखी हैं। तो ये तीन चार चीज़ हम इलेक्शन पिटिशन देंगे इलेक्शन कमीशन को, अगर इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान नहीं लेती है तो कोर्ट में हम जरूर जाएंगे। का दुष्प्रचार किया जा रहा है, यह दुष्प्रचार अब खत्म होना चाहिए। ईमानदारी से सही मुद्दे पे, जन सामान्य के प्रश्न पर, आम आदमी के तकलीफों पर, आम आदमी के सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और दिल्ली में पानी की कमी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। सांसद बांसुरी स्वराज और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर पानी का संग्राम, दूसरी तरफ पानी के लिए सड़कों पर आवाम है। दोनों तस्वीरें जैसे दिल्ली के लिए कई दिनों से नियति सी बन गई है। गीता कॉलोनी, कालकाजी समेत कई जगहों पर पानी के लिए जद्दोजहद जारी है। बावजूद इसके कई लोगों की बाल्टी और पानी के गैलन खाली रह जा रहे हैं। इधर खाली मटके के साथ प्रोटेस्ट पर उतरे बीजेपी भी खाली हाथ है, लेकिन संघर्ष जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों परिस्थितियों का समाधान एक है, पानी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लालबाग में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रोटेस्ट किया। इधर नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी पानी आपूर्ति को लेकर सड़क पर मोर्चा संभाले हुए नजर आए। एक दशक से केजरीवाल सरकार यहां पर सत्ता भोग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। तो 10 सालों में इस समस्या का स्थायी समाधान उन्होंने क्यों नहीं निकाला? वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि केजरीवाल की सरकार हल्का आपको हल निकालना चाहती नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा जीवित रहे और उसके जरिए वो आरोप की राजनीति करती रहे। इधर दिल्ली में पानी की पहरेदारी की जा रही है और इसके लिए बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी पानी की रखवाली कर रहे हैं, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, मोबाइल से वीडियो बनाए जा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट जल बोर्ड और अधिकारियों को दी जा रही है। ये सारी कवायद है पानी की चोरी रोकने की। पानी की चोरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें हजरत निजामुद्दीन इलाके की हैं, जहां जल बोर्ड की पाइपलाइन का निरीक्षण किया गया। ये जल बोर्ड के जो पानी की जो पाइपलाइन जा रही है, इसको हम प्रॉपर पेट्रोलिंग के थ्रू देखते रहते हैं, कोई लीकेज ना कर दे, किसी प्रकार कोई इसमें डिफेक्ट ना आ जाए। तो अभी सर आपने देखा कहीं कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अभी ऐसा बराबर हम देखते रहते हैं, ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी सेफ है, दोनों लाइन चल रही है। ये बेसिकली ये कबाड़ का काम करते हैं, तो डेस्परेट टाइप के लोग हैं, ये पड़े रहते हैं, 2-3 महीने से आए हुए हैं, भगा देते हैं इनको फिर आ जाते हैं। दिल्ली में बढ़ती गर्मी और यमुना के घटते जलस्तर की वजह से राजधानी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। मामले की गंभीरता को समझते हुए कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश पारित किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में हिमाचल सरकार से दिल्ली के लिए पानी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली सरकार सप्लाई लाइनों को लेकर ही आरोपों में घिरी है। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अरागाम के जंगलों की तरफ बंदूकों के मुंह खोल दिए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। जंगलों की आड़ लेकर आतंकी छिपे हैं। पर्याप्त संख्या में सेना के जवानों को घटनास्थल पर लगाया गया है। बताया जाता है कि रविवार को सेना के जवानों को कुछ फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज सुबह जैसे ही आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को देखा, फायरिंग तेज कर दी गई, जिसके बाद आतंकवादियों को घेर लिया गया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। उसका शव ड्रोन के जरिए जंगलों में देखा गया है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। यह हमला ऐसे वक्त किया गया जब कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की, जिसमें एनएसए अजीत डोवल के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किए जाने के बाद वो बौखलाहट में है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद का सफाया किया जाए और आतंकवादियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती की जाए। बहरहाल 9 जून से अब तक रियासी, कठुआ, डोडा और अब बांदीपुरा समेत कुल 5 जगहों पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा इलाके में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों की गिरफ्तारी में आया यह शख्स हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है, जिसे जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कई आतंकी हत्या की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आतंकवादी की पहचान ग्यारू के कचरी के
अब्दुल हामिद मीर के बेटे जाकिर हामिद मीर के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सोमवार को हंदवाड़ा के कचरी गांव से इसे गिरफ्तार किया। जम्मू पुलिस के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान स्थित हैंडलर जहूर अहमद मीर के संपर्क में था। इसे इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। जो ये टेररिस्ट था ये आइडेंटिफाई हुआ जाकिर हामिद मीर सन ऑफ अब्दुल हामिद मीर कचरी चोगल का। पाक में एक पाक हैंडलर है जो यही का है, पाक हैंडलर है, एचएम ऑर्गेनाइज के साथ वाबस्ता है, उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शय पे ये काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आतंकी जहूर अहमद मीर के कब्जे में एक चीनी पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। मीर से पूछताछ की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत के दौरे पर हैं। सुलिवन की ये भारत यात्रा पर काफी अहम, इसे क्यों माना जा रहा है और इस पर दुनिया की नजर क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। बदलते वैश्विक समीकरण के बीच भारत अमेरिका के रिश्ते भी नई दिशा की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। दो दिन की भारत यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात में भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा, हमें विश्वास है कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूती से आगे बढ़ेगी। जैक सुलिवन के दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। सुलिवन के इस दौरे से ठीक पहले पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 2022 में टोक्यो में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम कंप्यूटरिंग, रक्षा नवाचार, अंतरिक्ष और उन्नत दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई थी। ऐसे में इस दौरे में इस दिशा में ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुंबई में बकरीद के मौके पर दो सोसाइटी के बीच हंगामा खड़ा हो गया। विरोध में लोगों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और इस मामले में पुलिस में हिंदू पक्ष की तरफ से शिकायत भी की गई। मुंबई के हिल गैलेक्सी में लोगों ने एक तरफ हनुमान चालीसा पढ़ी, दूसरी तरफ हंगामा चलता रहा। बताया जाता है कि हंगामा इस बात पर भड़का कि कुछ लोग मीरा रोड में सोसाइटी और पुलिस की ओर से मना किए जाने के बाद भी कुर्बानी के लिए जबरन बकरे लाए थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग जमा हो गए। बताया जाता है कि मुस्लिम पक्ष के लोग सोसाइटी के फैसले को मानने को तैयार नहीं थे। विवाद बढ़ने पर पुलिस पहुंची और प्रदर्शन पर उतरे लोगों को हल्का बल प्रयोग कर तितर बितर किया। बीती रात बरपे इस हंगामे के बाद पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले 15 जून की रात भी मीरा रोड के ही JP नॉर्थ सोसाइटी में भी बकरा लाने के विषय पर जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल ये वही JP नॉर्थ सोसाइटी है जिसमें पिछले साल भी बवाल हुआ था। इस साल सोसाइटी के लोगों ने सिक्योरिटी कड़ी कर दी थी और सुरक्षा गार्ड के साथ साथ प्राइवेट बाउंसर भी हायर किए थे। और पंजाब में युवाओं के ड्रग्स का शिकार होने की घटनाएं थमती नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर पंजाब में ड्रग्स का तांडव सामने आया है। पंजाब में ड्रग्स युवाओं को खोखला बना रही है। ये समस्या हर चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। पिछले 14 दिनों में 14 युवाओं की मौत ने पंजाब को झकझोर दिया है। पिछले 14 दिन में 14 मौत, गुरदासपुर में 3 मौत, अबोहर, मोगा, अमृतसर, फिरोजपुर में 2-2 मौत, मुक्तसर, फरीदकोट, लुधियाना में 1-1 युवा की मौत, नशे की ओवरडोज से हुई मौत। ड्रग्स से हुई युवाओं की मौत के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पहले जो BJP और अकाली दल की अपनी सरकार हुआ करती थी, नशे पंजाब में तभी एंटर हुए थे, ये अपना अपना रोल भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो नशे हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनी हुई है और इंटरनेशनल बॉर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, जो सीधा गृह मंत्री के अंडर में आता है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार जो है हर फ्रंट पे फेल हुई है। ड्रग्स का जो इशू है इसको भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही देखना पड़ेगा। बहुत सारा जो नेक्सस है, बहुत सारा जो सिंडिकेट इसके पीछे काम करता है, उसको किसने रोकना है? उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। एक जानलेवा बीमारी जापान में तेजी से पांव पसार रही है। वहां 900 से ज्यादा लोगों को यह बीमारी अपना शिकार बना चुकी है। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट रहने की तैयारी है। यह बीमारी कितनी घातक है, देखिए इस रिपोर्ट में। यह बैक्टीरिया इंसान के शरीर में जाकर उसके टिश्यू पर हमला कर देता है और टिश्यू को खत्म कर देता है।
अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है तो बीमारी की चपेट में आने के 48 घंटे के भीतर मरीज की मौत हो जाती है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS है। ये बैक्टीरिया हार्ट, किडनी और लिवर किसी भी अंग पर हमला कर देता है। ये एक सोर थ्रोट से स्टार्ट होता है, आपका जैसे खराश होती है गले में, उसके बाद इसमें पेन इन नेक होता है, पेन इन थ्रोट होता है, और रेडनेस होती है, स्वेलिंग होता है, एक्जुडेशंस होता है, और एक और चीज़ होती है कि रनिंग नोज नहीं होती। वहीं डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी का भारत में फैलना मुश्किल है, लेकिन इसे लेकर सर्विलांस तो रखना चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस तरीके की एक बीमारी जो बाहर की देश में फैल रही है, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए इसको मैनेज करना चाहिए, इसके आउटब्रेक को, कि अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हमें इसमें वी हैव टू टेक एक्शन फॉर सर्विलेंस एंड पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। और भारतीय रेल ने कश्मीर के संगलदान से रियासी तक इलेक्ट्रिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस रूट पर ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद साल भर कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल यातायात से जुड़े रहेंगे। ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर इलेक्ट्रिक इंजन के परीक्षण की तस्वीरें हैं। रेलवे ने संगलदान से रियासी तक इलेक्ट्रिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब पूरी दुनिया देखेगी भारतीय इंजीनियरिंग का डंका, क्योंकि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर हुआ है रेल इंजन ट्रायल रन। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश का संपर्क 12 महीने कश्मीर घाटी के साथ बना रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू बारामूला रेल लिंक का पूरा काम जो है इस साल के आखिरी तक हो जाएगा, और वहीं अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल दौड़ेगी। चिनाब नदी पर बना यह रेलवे पुल करीब 359 मीटर ऊपर बना है, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन इसको पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। पुल को बनाने में 30,000 मीट्रिक टन स्टील का प्रयोग किया गया है। और TV9 पर राहुल के करीबी गौरव गोगोई, नीट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। गौरव गोगोई ने कहा है संसद में नीट का मुद्दा गौरव गोगोई उठाने की तैयारी में है, और ईवीएम को भगवान समझ बैठी है इलेक्शन कमीशन। अपने इस इंटरव्यू में गौरव गोगोई ने ईवीएम पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। अयोध्या ने बीजेपी को नकार दिया, गौरव गोगोई ने इंटरव्यू में ये बात कही। न्यूज 9 के डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर कार्तिकेय शर्मा से गौरव गोगोई के साथ ये खास बातचीत, अब देखिए आप। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा, और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए है कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई जी। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी ने चुनाव के बाद पहला मुद्दा जो उठाया है वो नीट एग्जामिनेशन वाला, और ज़ोर शोर से सारे के सारे प्रवक्ता उस पर बात कर रहे हैं। आप लोगों की मेन डिमांड क्या है नीट को लेके? देखिए, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, क्योंकि हमारे दल में सबसे पहले व्यक्ति वे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और ये मुद्दा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लगभग 24 लाख बच्चों की भविष्य इससे जुड़ी हुई है। भविष्य में ये लोग डॉक्टर्स बनेंगे और हमारे लोगों की चिकित्सा ये लोग करेंगे, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और हम देख रहे हैं कि सरकार इस पूरे एक समस्या को दबाना चाहती है। कितने हमें सबूत मिले हैं जहाँ पर पता चला है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स को ये उन्होंने लोगों से लाख लाख रुपए लेकर उनको एग्जामिनेशन पेपर दिए हैं। अरेस्ट हुए हैं बिहार और गुजरात में, लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहती है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जांच हो, सरकार जल्दबाजी में NDA को क्लीन चिट ना दे, और क्योंकि हमें सरकार के अब तंत्र पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जाँच होनी चाहिए। दूसरी बात, NTA चेयरमैन बर्खास्त, क्योंकि सबसे वो इन्होंने पूरे जो इस पूरे मुद्दे में नाकामयाब रहे। इससे पहले भी नीट के परीक्षाएं हुए हैं, लेकिन इस बार का हम परीक्षा के जो परिणाम निकले हैं इसमें बहुत से प्रश्न निकले हैं। कितने सारे बच्चों को फुल मार्क्स, इससे पहले कुछ एक दो तीन को मिलते थे, इसमें लगभग 70 लोगों को मिल गए हैं। एक ही सेंटर में 6 लोगों को,
ऐसे छात्रों को मिले हैं जिन्होंने कभी क्लास 10वीं या 12वीं परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं ला पाए। ग्रेस मार्क्स का मुद्दा कहाँ से है? तो इसमें एक बार स्कैम हुआ है, स्कैम में एनटीए चेयरमैन को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और तीसरा हमारा मांग है कि जहाँ पे ये काउंसलिंग प्रोसेस को, इसको आप थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए। 6 जुलाई को काउंसलिंग की शुरुआत होगी, ज़रूरी नहीं है कि 6 जुलाई को ही होनी चाहिए। समय लें, पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि आज ना सिर्फ नीट में, आप CUET का भी परीक्षा देखें तो वहाँ पर भी प्रश्न उठते हैं, विभिन्न राज्यों में प्रश्न उठते हैं परीक्षा को लेके। ये कोचिंग सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स एक पूरा एक माफिया बन चुका है। तो इसको लेके हमें बाहर तो ये मुद्दा हम उठाएंगे, लेकिन आने वाले सत्र में सदन के अंदर भी इसको हम मुद्दा बनाएंगे। यानी आप कह रहे हैं जो अभी सदन जो शुरू होगा ओथ टेकिंग के बाद, तो नीट पे क्या कांग्रेस पार्टी चर्चा की मांग रखेगी? देखिए, सिर्फ चर्चा, ये हमें बात समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, पार्लियामेंट जिम्मेवारी के लिए होती है, अकाउंटेबिलिटी के लिए होती है। अगर चर्चा करके सरकार भाग जाती है, जिम्मेवार नहीं लेती, नहीं होती, कोई ठोस कदम नहीं लेती, तो उस चर्चा का क्या लाभ? चर्चा तो हम आपके टीवी चैनल पे हम करते ही रहते हैं। पार्लियामेंट सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, पार्लियामेंट जिम्मेवार सरकार के लिए हमने स्थापित की हुई है हमारे लोकतंत्र के अंदर। तो इसलिए हम जिम्मेवारी की मांग सदन में रखेंगे। जी बताइए, चुनाव तो हो गया, इस चुनाव में आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, आप विपक्ष में मजबूत विपक्ष की तरह से उभरे हैं, बीजेपी की सीट कम हुई है, लेकिन EVM का मुद्दा आप लोग नहीं छोड़ते हैं, क्यों? यही तो EVM है जिससे कि आप लोगों ने बीजेपी की फुल मेजोरिटी कम कर दी। क्या सारे EVM अच्छी तरीके से काम किए? कितने सारे EVM बदले गए, इलेक्शन कमीशन बताए? कितने सारे EVM में कहीं कोई चिप खराब हुआ वो बताए? कहीं कंट्रोल यूनिट खराब हुआ, कोई बैलेट यूनिट खराब हुआ, काउंटिंग के दिन भी EVM मशीन खराब हुए? तो ये इलेक्शन कमीशन ये क्यों समझती है कि EVM एकदम भगवान के रूप में है, इसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता? इतने सारे मशीन खराब हुए हैं, इतने सारे पार्ट्स खराब हुए हैं, काउंटर खराब हुआ है, टाइम खराब हुआ है, कह रही है कि ये EVM तो इसमें है। तो इस नहीं हो सकती। तो खराब कैसे हुए? खराब तो हो सकता है जब वोट अगर 700 वोट पड़े, जिस दिन काउंटिंग होता है दिखाते हैं 720 वोट पड़ गए इस मशीन में, ये कैसे हुआ? फिर कोई भूत घुस गया क्या EVM मशीन के अंदर? खराब तो हुआ है, कैसे हुआ अपने आप? अगर कोई छुआ ही नहीं तो जो जिस EVM मशीन में फॉर्म 17 में लिखा है कि 700 वोट पड़े हैं, उसमें 710 क्यों दिखा रहा है, 702 क्यों दिखा रहा है? वो तो मशीन है, कोई भूत समा गया क्या? ना जायज है। आखिर में एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, उत्तर पूर्व में कांग्रेस का सफाया हो गया था 2014 के बाद, आपकी पार्टी पूरी गायब हो गई अरुणाचल प्रदेश में, नीडा बना, हेमंत बिश्व शर्मा का स्टाचर बहुत बड़ा हुआ, आप कहीं नहीं थे, शिथिल पड़े थे, लेकिन एक सीट है आसाम में जो आपने 10 लाख वोट से जीती। आपको लगता है कि वापसी की बीज उत्तर पूर्व में कांग्रेस के लिए पड़ गए हैं, या अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि आसाम में देखिए वर्चस्व तो बीजेपी का ही है? देखिए, मैं तो पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है जितना दिल्ली में बैठे हुए लोग समझते हैं। मैं 2 साल से बोलते आ रहा हूँ, लोग मानते नहीं थे मुझे, क्योंकि जो उनकी जो गलत रवैया रहा है उत्तर पूर्वांचल के प्रति, मैं 2 साल से देखते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता था कि एक दिन ये नतीजा आना था। आज नागालैंड में कांग्रेस की जो जीत हुई है, ये लास्ट हम लगभग 20 साल पहले हम वो सीट जीते हैं। आज मेघालय में जो टूरा लोकसभा आदरणीय PA सांगमा साहब की जो सीट हम जीते हैं, वो लास्ट हम 20-22 साल पहले हम वो जीते हैं। मणिपुर में जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, दोनों सीट हम जीत चुके हैं। धुबरी में लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति को उस प्रकार से नकारा है जिस प्रकार से अयोध्या के लोगों ने भाजपा को नकारा है। जोरहाट में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा स्वयं 1 महीने प्रचार के बाद भी उसी प्रकार से जोरहाट के लोगों ने उनको नकारा जिस प्रकार से धुबरी में लोगों ने मौलाना अजमल को नकारा। ठेठ भाषा में कहूं लेकिन जिसे कह सकते हैं, रौला तो हेमंत बिश्व शर्मा जी का ही है। कहने का मतलब है नीडा के भी वो प्रमुख हैं और नंबर्स उनके ज्यादा हैं आपसे आसाम में। देखिए, अगर आप इस इलेक्शन को समझते हैं कि मोदी जी की जीत हुई है, मैं हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रहा हूं, बात में मुझे पहुंचने दीजिए। वो 1.5 लाख से वो जीते हैं, ट्रेलिंग में थे
और आप समझते हैं कि वो हीरो है, तो उसी प्रकार से आपको लगता है हिमंत बिश्व शर्मा जी जिनके संग्रह जिनके नेतृत्व में आज उत्तर पूर्वांचल में एनडीए की सीट घटी है और तब भी आपको उनको हीरो बनाना है तो वो तो दिल्ली की मीडिया जाने। आज उनके नेतृत्व में सीट कमी है, आज नागालैंड और मिजोरम में और मेघालय में वो एक विशेष धर्म को वो टारगेट करते हैं, राजनीतिक विरोधी मांगते हैं। देखता है असेंबली के दो रिजल्ट्स तो देख चुका है मीडिया, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अभी आसाम में फिर चुनाव होंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी सशक्त हो गई इन लोकसभा चुनाव में कि उसकी सरकार बन सकती है? जैसे आपके जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो तीन बार सरकार बनी थी। देखिए आज इस लोकसभा चुनाव में धुबरी में लोगों ने मौलाना अजमल साहब जी को हराया, वो वहाँ के सांसद थे, 2004 से वहाँ पे सांसद थे, आज वो हार चुके। उसी प्रकार से जोरहाट में भाजपा ने जो उनका जो स्थानीय लोकसभा सांसद था उनको तो प्रचार में लगाया नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री आए प्रचार करने के लिए, उसके पश्चात भी जोरहाट के लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को जिताया, जबकि हमारी पिछली जीत 2009 में हुई थी। तो जब असम के लोगों ने मौलाना अजमल साहब को नकारा, जब असम के लोगों ने हिमंत बिश्व शर्मा जी को नकारा, तब जय और वीरू जब हार गए तो हमारी जय, तो अगर हम इसी गति से काम करते गए तो 2026 में हमारी जय और लोगों का आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।